सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज की हमारी वीडियो होने वाली है आपके मैसेंजर से जुड़ी एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। इसके साथ ही गाइस, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। देखिए गाइस, अगर आप फेसबुक यूजर हैं और उसके साथ आप मैसेंजर भी जरूर यूज करते होंगे, लेकिन गाइस अगर आपका मैसेंजर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है या वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जा रहा है, अगर आप भी फेस करते हैं मैसेंजर से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम, तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। क्योंकि गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूं अगर आपका मैसेंजर प्रॉपरली वर्क नहीं करता है तो। ज़्यादा समय न गवाते हुए शुरू कर लेते हैं अपनी इस वीडियो को और आपको बता देते हैं आपको किस स्टेप को फॉलो करना है, ताकि गाइस जो आपकी प्रॉब्लम है मैसेंजर से जुड़ी हुई उसको आप जल्दी से सॉल्व कर पाओ। देखिए, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद गाइस, आप सभी के मोबाइल के अंदर सेटिंग होती है, आपको सेटिंग को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ढूंढ लेना है ऐप्स का। आपको जस्ट इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको मैनेज ऐप्स पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल कर आ जाता है। आपको जस्ट सर्च बार में सर्च कर लेना है मैसेंजर, तो मैसेंजर वाला ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल कर आ जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको कर देना है फोर स्टॉप। मेरा यहाँ पर पहले से ही डिसेबल है, तो गाइज अगर आपके एंड्रॉयड के अंदर ये इनेबल है तो उसको आपको डिसेबल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अनइंस्टॉल के बाद क्लियर डाटा वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको जस्ट इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से इसको कर देना है क्लियर कैचे। क्लियर कैच कर देने के बाद आपको एक बार बैक आ जाना है और अपने मैसेंजर को यूज करके देख लेना है। अगर वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो गाइज आपको एक और स्टेप को यहाँ पर पहले चेक कर लेना है। जो आपको प्ले स्टोर है उसको ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपके मैसेंजर पर कोई अपडेट तो नहीं आई हुई। अगर कोई अपडेट आई हुई है तो गाइज आपको अपने मैसेंजर को यहाँ से अपडेट कर लेना है। अगर अपडेट कर लेने के बाद भी ये प्रॉब्लम सेम बनी रहती है तो आपको अगेन जो पहले वाला स्टेप है उसको फॉलो करना है। सेटिंग पर आना है, ऐप्स पर आना है, मैनेज ऐप्स पर आना है, सर्च बार में सर्च कर लेना है मैसेंजर, इस पर टैप करना है और नीचे से आपको कर देना है इसका क्लियर ऑल डाटा। यहाँ से क्लियर ऑल डाटा कर देने के बाद गाइस आपको क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट डाटा यूसेज पर क्लिक करना है, वाईफाई और मोबाइल डाटा दोनों पर टिक मार्क करना है और यहाँ से ओके प्रेस कर देना है। फिर उसके बाद आपको ऐप परमिशन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से जितनी भी परमिशन है इन सभी को आपको अलाउ करना है। देखिए, कुछ इस तरह से आपको कर लेना है। ये सभी परमिशन आपको यहाँ से अलाउ करनी है। ये कर लेने के बाद गाइज आपको बिल्कुल ही बैक आना है और आपको जो बैकग्राउंड है आपका, यहाँ से जो आपका मैसेंजर है उसको क्लोज कर देना है। उसको क्लोज कर देने के बाद गाइज आपको क्या करना है, जो आपका मैसेंजर है उसको ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद गाइज आप पाओगे जो भी आपकी ये प्रॉब्लम है मैसेंजर से जुड़ी हुई, चाहे वो ऑटोमेटिकली बैक हो जाता है या गाइज वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो आपकी ये सभी प्रॉब्लम यहाँ से आसानी से सॉल्व होने वाली हैं। तो गाइज आज वाली इस वीडियो के अंदर मेरे को आपको जस्ट इतना ही बताना था। और जिसकी भी प्रॉब्लम हमारी इस वीडियो की हेल्प से सॉल्व होती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर।